इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप डिजी लॉकर के अंदर जो है अपना नेम या फिर डेट ऑफ बर्थ कैसे चेंज कर सकते हैं, चेंज हो सकता है या नहीं, और इसके लिए क्या क्या प्रोसेस आपको करना होगा। तो वीडियो को आप यहाँ पे पूरा ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पे हम डिजी लॉकर में हैं। जैसे मैं मेनू पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे सामने, एक तो माई प्रोफाइल और माई अकाउंट्स का, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जैसे मैं माई प्रोफाइल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारा एक प्रोफाइल आ जाएगा और ये वेरीफिल लिखा है, ठीक है, वेरीफिल हो चुका है। और यहाँ पे मैं अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे यूज़र नेम आएगा और सिक्योरिटी पिन आएगा। बेसिकली प्रोफाइल एडिट करने का कोई भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ का भी नहीं है और प्रोफाइल का भी नहीं। तो ऐसा क्यों और ये यहाँ पे एडिट कैसे आप कर सकते हैं आप लोग? देखिए यहाँ पे आपने प्रोफाइल जो है खुद से ऐड नहीं की है, ठीक है। आपका जो भी डिजी लॉकर है वो आधार के हिसाब से बना हुआ है, मतलब आपने जहाँ पर आधार नंबर या फिर आधार कार्ड का डिटेल्स जब दिया था तब उसके हिसाब से आपका जो है डिजी लॉकर ऑटोमेटिकली अपडेट हुआ है। और जब ऑटोमेटिक डिजी लॉकर अपडेट हो जाता है आधार के साथ तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते, उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते, जैसे डेट ऑफ बर्थ हो, नेम हो, ठीक है, जेंडर हो, ये तीनों ही आपके आधार कार्ड से ही हूबहू या फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाता है। इसमें चेंज करने का कोई भी या ऑप्शन आपको दिया नहीं गया है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे आप दूसरा अकाउंट डिजी लॉकर का बना सकते हैं, बाकी आधार एक ही रहेगा। और पहले से अगर आपका बना हुआ है तो दूसरा आप डिजी लॉकर भी सेम आधार के साथ नहीं खोल सकते, ठीक है। तो आपका जो बना हुआ है उसी नाम से आपको यूज़ करना पड़ेगा।